सरिता कसाना को मिला चार गांव का समर्थन। गांव संगवाड़ी में हुई चार गांवों की पंचायत। चार गांवों के लोगों ने सरिता कसाना के पक्ष में वोट देने की अपील। सरिता कसाना जगत सिंह एडवोकेट की पुत्रवधू है। रेवाड़ी जिला परिषद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। वार्ड नंबर 16 के प्रत्याशी सरिता कसाना के समर्थन में आज गांव संगवाड़ी, लादुवास, सालावास, बोरला के चार गांव की पंचायत हुई। वहीं पंचायतों में चारों गांव के लोगों ने एक साथ समर्थन करते हुए सरिता कसाना के पक्ष में वोट देने की बात कही। सभी ग्रामीणों ने एक सुर में कहा, सरिता कसाना से ही हमें उम्मीद है कि जीतने के बाद हमारे गांव में विकास कार्यों की झड़ी लगवा देगी। इससे पहले भी सरिता कसाना को अन्य ग्राम पंचायतों ने भारी बहुमत से समर्थन दिया। आज हुई चार गांव की पंचायतों के बाद जिस प्रकार से ग्रामीणों का समर्थन मिला, उसको देखते हुए विरोधियों के पसीने छूटने लगे। अब सब मिलकर के एक साथ करके के श्री जगत सिंह जी को विजय बनाए और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ठीक है तो फिर भी जाएंगी दाएं बाएं, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ जी, हर आदमी गांव का अपना गांव का साथ और कोई आगे कोई कार्रवाई है जी, कोई बात है तो बताओ। कोई पंचायत में चारों गांव ने समर्थन कर दिया तो चारों गांव इनके साथ हैं, हम तो गए अच्छी अच्छी वोटर जीते जी। अच्छा सफल हो जाएगा, गांव गांव का एजुकेटेड आदमी है, समझदार आदमी, जो भी उसको काम करेगा सब सूझबूझ के साथ करेगा, गांव का विकास करने के सोचेगा जी। तो ऐसा आदमी आगे आना चाहिए, इसी को लेकर आज पंचायत हुई। हाँ आज इसी इस बारे में पंचायत हुई। कैप्टन रामरतन नाम है, पंचायत इसलिए बैठाई थी कि हमारा गांव तो साथ था, लेकिन ये जो पांच चार गांव हमारे इकट्ठे थे वो यहाँ पर बुलाए इसलिए हैं कि भाई सबका समर्थन, एक हाथ वोट गिर जाए हमारा बाल कामयाब, सबसे बड़ी बात ये हमारी कामयाबी है जिले के लिए, जिले में हमारा रिप्रेजेंट करेगा तो हमारा विकास के लिए जो भी चीजें होंगी उनका अच्छा काम करेगा, जानकार आदमी अनुभवी लड़का है। पूरे गांव ने कर दिया, जब किसी के पास कुछ होगा तो ही तो मांगेंगे। अब चार गांव में जिला परिषद अगर भाई बन जाते हैं तो हम मांगेंगे तो जब ही जब बनेंगे तो बनेंगे, हम तो तहे दिल से साथ हैं, वोट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, और सबसे मैं तो यही विनती करता हूं कि सब वोट दे, सपोर्ट करें, इनके पास कुछ होगा तो ही तो मांगेंगे। चार चीजें आएंगे, अब तक क्या आया हमारे गांव में, जिला परिषद पहले बने हैं बाहर के, क्या दे दिया, अब हमारे बनेंगे तो ही तो मांगेंगे, हम बनाएंगे है नहीं, मांगेंगे इनसे भाईचारा सब कायम है, सब हम एक है, दो दिन के चुनाव है, सब भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक है, मतलब और ये वोट पूरी इनके पास है, और वोट सपोर्ट युवा बुजुर्ग इनके बिना काम ना चले कहीं के बिना भी, तो सब साथ है, वोट सपोर्ट और भाई ने जीता के लिए हमारा, राम राम। क्या होगी आपके रास्ता में, तो ये कौन कौन से चार गांव है जिसके अभी पंचायत की, ये जिसमें संगवाड़ी, लादवास, सालावास और बोरला जी, चार गांव हैं और इनमें हम घूमे भी हैं और माहौल बहुत अच्छा है, और हम तो लोगों से यही कहते हैं कि अपने किसी का अगर कोई मतभेद है भी तो उसके लिए गांव की तरक्की के लिए हमें एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढना चाहिए, जैसे कि हमें जो नॉलेज में है जगत सिंह साहब जो हैं बहुत अच्छा काम करेंगे, हमें पूरी आशा है, उम्मीद है, और इसीलिए हम सबसे प्रार्थना भी कर रहे हैं कि ये इनको चुना जाए और आगे गांव की तरक्की के लिए इनको उत्साहित जाए, कहा जाए। तो चार गांव ने समर्थन किया है, आशीर्वाद पूरा है? हाँ जी, पूरा आशीर्वाद है चार गांव में, और सब जगह मैं साथ रहता हूँ उनके, और पूरे गांव में 100% के 99% जो है आपके सक्सेस है, जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं नहीं वो ठीक है, वो देखा माहौल देखा है, जनता का हमने जनता की राय ली है, जनता का वो मूड देखा है, तो उसमें हमें सबसे आगे यही लगता है। जगत के लिए समर्थन हुआ सभी का, बढ़िया हिसाब किताब के साथ जीत होने की कोशिश की है, बुरला के पूरा समर्थन दिया, जीत की बात है, जीत जीत। मेरा नाम हनुमान सिंह छावड़ी, ये चार गांव की पंचायत थी जी, बाबू जगत सिंह की पुत्र वधु इलेक्शन में खड़ी है,
तो हमारे चारों गांव ने उसका तय दिल से समर्थन कर दिया, एक एक वोट उसी के पक्ष में जाएगा, इसलिए पंचायत चार गांव शामिल थे, संगवाड़ी, लादवास, भूडला और सालावास। इसमें जो विषय रखा गया था कि जगत सिंह एडवोकेट के पक्ष में जिला पार्षद में चारों गांव का समर्थन एक तरफा रहेगा, जो कि पूरी तरह से चारों गांव उनके साथ है। हाँ जी, इसी को लेकर पंचायत थी, समर्थन चारों गांव का उनके साथ है, सभी बरादरियों का।